वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं कपकेक, और ये बहुत ही टेस्टी होते हैं खाने में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि ये हमारे छोटे छोटे प्यारे बच्चों ने बनाया है। तो इसके लिए हमने लिया है एक कटोरी मैदा और एक कटोरी पिसी हुई शक्कर, थोड़ा सा कंडेंस मिल्क, वनीला एसेंस, टूटी फ्रूटी और बेकिंग पाउडर। सबसे पहले हमने एक बर्तन में एक कटोरी मैदा को डाला है और उसमें डाली है उतनी ही पिसी हुई शक्कर। और ये मेरा भतीजा बना रहा है, वो केक बनाने में बहुत ही एक्सपर्ट है और उसका जब भी मन करता है तो वो बना लेता है और खा लेता है। और इन दोनों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद इसमें डाला है हमने एक चम्मच बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा कंडेंस मिल्क। अब वो बहुत ही शैतान है, उसने उंगली से चाट भी लिया है कंडेंस मिल्क। और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अभी कुछ नहीं डाला उसने। और ये डाल रहे हैं इसमें एक चम्मच के लगभग बेकिंग पाउडर। और ये लोग इतने एक्सपर्ट हैं कि ये लोग अपने आइडिया से ही डाल देते हैं, इन्हें कोई चीज़ नापने की ज़रूरत नहीं है। और अब इनको मिक्स करने के लिए हमने दूध लिया है और ये डाल रहा है वो वैनिला एसेंस। और वेनिला एसेंस डालने के बाद इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। और इसमें दूध थोड़ा थोड़ा करके ही मिक्स करेंगे क्योंकि बैटर हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है, नहीं तो जो केक है वो फिर अच्छे से बनेगा नहीं। और थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है इसमें और अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स करते हुए इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। और दूध हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसकी जो गुठलियाँ हैं वो ख़त्म करते हुए जो बैटर है वो हमें एक साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है। और ये बनाना बहुत ही सिंपल है, ये छोटे छोटे बच्चे जब भी इनका खाने का मन करता है तब बना लेते हैं और खा लेते हैं, तो ये बनाने में बहुत ही एक्सपर्ट हो गए हैं। और ये बैटर इनने अच्छी तरह से फेंट लिया है और फेंटने के बाद इसमें डाल दी है टूटी फ्रूटी। और इन लोगों को पसंद है तो इन्होंने अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा डाली है। अगर आपको कम पसंद है तो हम कम डालें, और नहीं भी डालें तो भी ये आपके ऊपर है। वैसे टूटी फ्रूटी डालने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इन लोगों को बहुत पसंद है तो इन लोगों ने ज़्यादा डाली है। देखिए अपने नन्हे नन्हे हाथों से कैसे केक बना रहे हैं ये बच्चे। और ये बैटर रेडी है और इसको डालेंगे हम कप में। ये छोटे छोटे कप हैं और इसे आधा ही भरना है क्योंकि बेक होने के बाद ये फूल कर डबल हो जाते हैं, तो जो बैटर है वो इन कप में हमें आधा आधा ही भरना है। और इन सबको हम अच्छी तरह से कप में भर देंगे। और उधर हमने ओवन भी प्री हीट करने को रख दिया है 180 डिग्री पर।
और ये सारे कप में हमने भर दिया है बैटर, और ये ओवन कर दिया है प्री हीट, और गर्म होने के बाद एक प्लेट में ये सारे कप रखने के बाद हम उस प्लेट को ओवन में रख देंगे बेक होने के लिए कम से कम 20 मिनट के लिए। 20 मिनट में ये केक जो है वो बनकर रेडी हो जाएंगे। और 20 मिनट बाद हम इसे चेक कर लेंगे कि जो केक हैं वो हमारे रेडी हुए हैं कि नहीं, और इसमें हम चाकू से हम इसमें देखेंगे लगाकर अगर जो बैटर है वो केक जो है वो अगर चाकू में नहीं चिपकता है तो इसका मतलब हमारे केक तैयार हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी कसर बाकी थी तो हमने इसे 5 मिनट के लिए और रख दिया है, और 5 मिनट वो हमारे होने को हैं। और केक देखिए हमारे कितने अच्छी तरह से तैयार हुए हैं बेक होकर, और ये केक बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बने हैं। तो एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि जो हमारे बच्चों ने केक बनाया है वो आपको कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।